कोई बात नहीं मामी, कोई बात नहीं। तनुज भीतर चला जाए। अच्छा उसके थोड़ा ना भाई, मेरे तो तीस की जना बना आशीर्वाद दे दे आड़े ते तेरे आशीर्वाद तो सोया गौर करूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं था है। दोनों बाण जो हमारी दो बाणा का था ना, दो या की बात हुई थी। दोनों के लिए एक डबल बेड है, एक एक संदूक, एक एक अलमारी, एक एक सिलाई मशीन, 51 बर्तन और हमारे सारे भाईचारे की तरफ से 62,000 रुपये कन्यादान है, 31,000 दोनों बाणा के लिए। और क्या कमी रहेगी वह बताओ। कभी कोई जिम्मेदारी काम और कोई भी इसी लागे है मारता जरूर बताइयो, ठीक है। एक बार सारे सामान ने संभाल लियो और इस सामान की गारंटी उस दिन वो भाई कटा गया, कोई अलग सामान बताऊं थे। दो सिलाई मशीन, दो सिलाई मशीन जो कर ज्यादा आएगी, यानी कि दो या का था तो और लिया है भाई, आपस में बात नहीं हुई वे से। और कोशिश करी बाण हो तो वे ले सके हूं ना तो ना, हम अपने दौरे धर लेंगे और कोशिश बाण का होगा फिर दे दे, ठीक है। उस दिन यारा ये क्या सूट है, 5 सूट ये हैं और ये दो सूट है जी, दो प्रेस, दो सूटर, दो प्रेस, दो प्रेस, और ये दो सूट है, दो सूट है। संदीप वाला दी भी है जय माता दी, दादी के नाम से लो माता जी, बस भाई पकड़ियो। 11 सूट ये हैं, 5 ये हैं, 2 ये हैं, 2 पैंट शर्ट ये हैं, ये में क्या है भाई, दो प्रेस, दो प्रेस, दो प्रेस हैं, ये भी ना पकड़ो। और कुछ रहत नहीं गया हमारी उड़ता है, ये बस सामान ने संभाल लो। वो सब भाई साहब आप आ जाओ है, आप कर लियो आप अपना काम माता जी, आपका का पीवा चा पानी। एक बार मेरे तो दे दे भाई, वो कितना शुरू हुई थी भूल गया मैं, आठे थे 100 रुपए थे अजीत, वो आठे आ जाना प्रवीण आओ भाजी साहब, वो कित गया, आ जाओ आप भी अजीत भाई कित गया रहे, आ जाओ अजीत आ गई, आओ सारे भाई आ जाओ। एक बारी भाई जो भाई आठे थे ना, एक बार पहले तो वो बताऊंगे, सबसे पहले समस्त भाईचारे ना भाई अरस चिकारा की तरफ ता जोड़कर राम राम। हाल फिलहाल जो हम पहुंचे हैं गांव भोजरा जी सार, आप सभी साथियों को बताया था कि हमारी दो बहनों की शादी है, दोनों बहनों के लिए भाई एक एक डबल बेड, एक एक संदूक, एक एक अलमारी, एक एक सिलाई मशीन और 51 बर्तन, 62,000 रुपये कन्यादान, उससे अलग 30-40 छूट होंगी, दो प्रेस और कुछ छोटा मोटा सामान रह गया हो तो उसके लिए पहले तो क्षमा चाहते हूं से। दूसरी बात यह है जो आप साथी हो, जो आपकी सोशल मीडिया उसके अंदर कितनी ताकत है ये बताता हूं। सबसे पहला इन बहनों के लिए जो कन्यादान आया है, सबसे पहला कन्यादान आया इन बहनों के लिए बॉलीवुड से, बॉलीवुड में फिल्म बनाते हैं हमारे हरियाणा के सुपरस्टार यशपाल शर्मा जी, जिनकी अभी अभी मूवी आई थी दादा लक्ष्मी। सबसे पहले 11,000 रुपए दादा लक्ष्मी सुपर हिट होने की खुशी में इन गरीब बेटियों के लिए 11,000 रुपए भाई साहब की तरफ से दान है। एक बार भाई साहब के लिए तालियां जरूर बजाओ। और हम यही उम्मीद करते हैं कोई भी हरियाणा का इंसान किसी भी फील्ड में आगे बढ़ता हो, हम सब ने उसका समर्थन करना, उसका साथ देना, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी है। अब बात आती है मददगीर साथियों की, मदद करने वाले साथियों की, फौजी सलापुरिया की टीम की तरफ से 12,000 कितने थे शायद 12,300 रुपये, 208 भी हो सके, 290 भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सके, उसके लिए माफी चाहते। हमारा बड़ा भाई मारी गैल नहीं है, फौजी असलापुरिया नहीं है हमारे साथ, हमारे साथ जो बड्डा की हमेशा तो भूमिका निभाते आए हैं दम्मल फौजी भाई साहब, हमारे बड़े भाई साहब दम्मल फौजी पीपली और बड़े भाई साहब अजीत गणगस दनाना, ये वे भाई हैं जिनकी उंगली पकड़ का हम चलना सीखे हैं। ये हर एक जगह हमने मदद कराने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रवीण पुनिया पनियार हरियाणवी कलाकार सभी जानते हो गए साइडावा, और हमारे भाई आगे ना हो, मेरा भाई खेड़ी बरकी की टीम आ रही है, साथ में मेरे भाई बाड़ गांव की टीम आ रही है, साथ में मदन एडी के भाई कित गए सुंडावास की टीम, और मेरे फौजी भाई भी आ रहे थे, फौजी साहब कहाँ गए रहे,
कौन सा काम था फौजी साहब अपना अपना तो यो है ना दूसरा फौजी साहब ये फौजी साहब मंडोती से सोचने की बात ये है जो हमारे देश के जवान है ड्यूटी जो हमारे लिए ड्यूटी करते दिन रात तैनात रहते हैं वो इन चीजों में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। फौजी साहब को जितने जो भी फौजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद आप सभी का। और दानवीर भाइयों के मैं नाम बताता हूँ भाई चाहे किसी ने 100 दिए 10 दिए 20 दिए 50 दिए सबसे पहले आता थार सारे का धन्यवाद। थारे बिना यो कार्य पूरा हो नहीं सकता। समस्त जो यहाँ भाईचारा आया एक बार बोल के बताइयो भाई साहब मदन एडी वाले भैया की तरफ से 2100 रुपये 5 सूट भाई साहब मदन एडी वाले भैया की तरफ से 2100 रुपये 5 सूट 3100 रुपये भाई साहब सुंडावास रावलवास दोनों गांवों के भाईचारे की तरफ से 3100 रुपये भाई साहब। और कौन सा भाई था अपना 1100 रुपये भाई संदीप संजू जल्लोप्रिया माता जी कड़े हमारी आई हो माता जी एक बाप भी ये हमारी माता जी है भाई सुशीला देवी माता जी का नाम है गांव मंगड़बाड़ी से माड़ा रहा है अरिता गांव में इसार के पास में है उड़े भी एक बजा का मदद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। माता जी का खुद ये कहना है हमारी खुद की संतान नहीं है लेकिन आप लोग जो काम करते हो ना जो भी अच्छा काम करो सारे मेरे बेटे हो मेरा दिल खुश हो गया है। और माता जी अपनी तरफ से क्या मदद थी 2100 रुपये 11 सूट 2 पैंट शर्ट इसलिए सोशल मीडिया चलाते हैं हम कि आसपास के नजदीक के जो साथी हैं एक दूसरे का हौसला बढ़ा सके एक दूसरे की मदद कर सके ऐसी ऐसी माताओं की बहनों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। हम वीडियो देखी थी मैंने माता जी ने भी रात को ही वीडियो देखी थी हम मदद करने वाले साथियों के क्यों कर नाम गिनवाऊ मैं ज्यादा लंबे हो जाएंगे 500 रुपये बंटी ने करे हंसी से जी भाई साहब जितने साथियों ने जो एक वो पकड़ी हुई है जी भाई साहब 4500 रुपये 13 से कृष्ण भाई अपना उसे दूसरी बात ये है अगर मैं रुपया की लिस्ट गणवान लग गया आप सभी साथियों को एक बात कहना चाहता हूँ भाई उसमें ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा क्योंकि ज्यादा साथियों ने बढ़ चढ़ कर हमारे पास मदद करी मदद के लिए पैसा भेजा है। मदद की लिस्ट पूर्ण रूप से इसलिए नहीं बता सकता जो मुंह जबानी मेरा बात याद हुए तो मैंने बता दी उस न्यारायो जितना भी सामान 62,000 रुपये का नगद योगदान यो सारा का सारा थारे योगदान तो थारे कहने तो थारे समस्त भाईचारे तो हो पाया इसके लिए मैं भाई थारा हाथ जोड़ के बार बार सिर झुका के साथ दुआद करूंगा पैसे आज इस मारे नहीं गणवा पा रहा उसके लिए छोटी सी बात बताता हूँ क्योंकि कल फोन बहुत ज्यादा मात्रा में बाजे सबके ना तो फोन ठान पाए ना सबके स्क्रीन शॉट देखन पाए किसने पैसा दिया किसने ना दिया इस मारे प्रॉपर उक्त वाला लिस्ट तैयार नहीं कर पाए लेकिन उसकी अलग तो वीडियो जरूर डाल देंगे घर जाकर उसने पढ़ के मन इतना बेरा अगर एक साथी का भी नाम रह गया ना मन 1100 दिए थे मेरा नाम ना लिया वे फिर उंगली उठाने लग जाए इसलिए हम ये चाहवा हमारे पे उंगली ना उठाकर पूर्ण रूप से हम सभी साथियों के सामने वाली लिस्ट बताते रहा बता सका आज तक भी बताते आए आगे भी बताते रहेंगे आगे भी भाईचारा ऐसे ही जुड़े रहे और इस गांव के जितने जो साथी हमारे पास हमारे फौजी भाई साहब हैं जो हमारा भाईचारा एकता संगठन है सचिन फौजी हमारे बीच में नहीं हाल फिलहाल ड्यूटी पर तैनात है लेकिन भाई साहब की तरफ से यही गाँव के फौजी साहब जो हमारे साथ हमारे भाईचारे के साथ पहले से ही जुड़ रहे हमारा दिल खुश होता है जिस गांव में हम जाते हैं वहां हमारा भाईचारा पहले से ही मिलता है ऐसे एक दूसरे से जुड़े रहो एक दूसरे की मदद करते रहो। आज फिर एक बात बता देता हूं कोई भी इस देश का मंत्री इस देश का नेता एमएलए एमपी किसी गरीब के घर में मदद के लिए नहीं आएगा इसलिए आप लोग ही नेता हो आप लोग ही मंत्री हो आप लोग इस देश को चलाने वाले हो अपनी बहन बेटिया की मदद स्वयं करो मजा आऊगा धन्यवाद आप सबका राम राम जय हिंद।